हेलो एवरीवन, पता होना जरूरी है, मैं आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो दिखाने वाले हैं। हम आपको मिलाएंगे भक्ति के रंग में, गेरुए रंग में रंगे हुए कुछ ऐसे नन्हे नन्हे भक्तों से, जिनको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। और ये भक्त कोई और नहीं, यही है जी। हम हैं इंदौर में और इंदौर की GSITS कॉलेज जो है उसके ही सिग्नल पर, यानी कि स्टेशन के एग्जिट गेट पर आपको मिलते हैं ये नन्हे नन्हे भक्त, जो सारे एक ही रंग में रंगे हुए हैं दोस्तों, और भक्ति का रंग ही कहेंगे इसे। और इनकी देखभाल जो है वो करते हैं यहाँ के मशहूर पाल बाबा। आज हम उनसे मिलेंगे और उनसे खूब सारी बातें करेंगे। नमस्कार बाबा जी, जय साई राम। अच्छा ये बताइए, ये जो नन्हे नन्हे भक्त हैं, इनसे मिलकर हम इनको देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि सारे एक ही रंग में हैं और बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो आप बताइए कितने नंबर हैं, कितने लोग हैं ये? ये नौ है, नौ तो रंगे हुए हैं, सब साई राम के भक्त हैं। अच्छा, तो ये जितने भी हैं इनको सबको, मतलब हम आपको भी देख रहे हैं, तो आप भी गेरुए रंग में ही हैं पूरे ऊपर से नीचे तक, और ये सब भी गेरुए रंग में हैं। तो बताइए जरा, गेरुआ रंग मतलब कैसे करते हैं आप इनका? इनको मेहंदी लगाते हैं। अच्छा, मेहंदी लगाई जाती है। और क्यों, मतलब इनको आपने एक ही रंग में रखा हुआ है? ये सब साई राम की कृपा, भजन बाबा की कृपा था। साई जी के ही रंग में रंगे हैं ये सब। ये शायद अभी भक्ति में रंगे नहीं है, तो इनको कलर क्यों नहीं किया आपने? ये अभी अभी आए हैं। अच्छा बाबा जी, अब हमें अब सबसे मिलवाने वाले हैं। अरे ओ हो हो हो, बाबा जी चलिए एक एक का नाम बताइए पहले तो हमें। पार्वती, शिव बाबा, ये भूरा, ये भूरी, सली। कौन सबसे दूर जो है? वो सली, उसका नाम है काजल। किसका नाम है काजल? वो उधर बैठी है। अच्छा, आप आवाज तो लगाइए काजल को। काजल चले। कितने आज्ञाकारी हैं ये भक्त। अच्छा अच्छा अच्छा, सभी भगवान के बीच में होते हैं चार बच्चे। अच्छा अच्छा, जब आप पूजा वूजा करते हैं तो ये सब मंदिर में रहते हैं? अच्छा, और किस तरह से, मतलब समझ जाते हैं कि पूजा चल रही है? हाँ बाबा जी, मैं पूछ रही थी कि जब इनको आपने सबसे पहले रखने का विचार किया, तो मतलब क्या चीज ऐसी आई कि आपको लगा कि अब मुझे इनको भी अपने साथ रखना चाहिए? साईं बाबा ने रखवाया मेरे को, साईं बाबा की मेहरबानी से। अच्छा, तो इनमें से जो सबसे पहले आए थे वो मतलब कैसे आए थे आपके पास? वो एक भाई दे गई थी। अच्छा हाँ, तो बाकी जितने भी आए हैं इनको ऐसे मंदिर पे ही आए, हम कोई को लेने नहीं गए। अच्छा, ना खुद पालने के लिए। तो और जैसे ही आते हैं तो मतलब एक हफ्ते के अंदर आप इनको मेहंदी लगा देते हैं? भगवान के कलर में कर देते हम तो। यहाँ पे आपका सब सामान भी रखा है बाबा जी? क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पे? अच्छा, आप यहीं रात को यहीं सोते हैं?
अच्छा महाप्रसाद का भी हमको दिख रहा है, बड़े बड़े सब भगोने वगैरह सब आपने रखे हुए हैं। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, बाबा जी जो है उनकी ये साइकिल है जिसपे वो इन सब को एक चेन से बांधते हैं और साथ में घुमा लेते हैं। तो इसकी एक छोटी सी झलक हमको भी बाबा जी दिखाएंगे, उनकी साइकिल किस चेन में ये सारे जो उनके भक्त हैं साईं बाबा के कैसे बन जाते हैं। और ऐसा लगता है पूरी चेन एक लाइन बनी हुई है गेरुए रंग की। तो चलिए बाबा जी के साथ शॉर्ट राइड लेते हैं उनके इन भक्तों के साथ भी। बताइए अचानक से सब शुरू क्यों हो गए हैं? चलिए दोस्तों बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।